हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अभी लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि लॉगरिथम जो होता है वो कैसे फैक्टर होता है। हम क्या करेंगे, थ्री क्वांटिटी लेते हैं, थ्री क्वांटिटीज कर लिया, ए ले लिया, एक्स ले लिया और एन ले लिया। आपको मालूम है टू का क्यूब के अंदर हमारे पास एट होता है, उस तरीके से यहाँ पर a रेज टू में क्या a रेज टू x इक्वल टू n ले। ओके, मतलब हमारे पास ये बेस है इंडाइस एंड ये जो प्रोडक्ट का नंबर है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे log ऑफ बेस n, सॉरी log ऑफ n बेस a इक्वल टू जो x है इसे ही बोलेंगे log। समझे कैसे, द log लॉगरिथम ऑफ फंक्शन नंबर to the given base, okay, is the indices or power of which of the base to raise to produce the number, okay। यहाँ पर क्या हुआ, this power यहाँ पर क्या कि x three equal to n आ रहा था, तो यहाँ पर जो logarithm of function number है n to the given base, okay, जो raise to the power number है, जो indices है, वही हमारे पास क्या होता है लॉगरिथम का वैल्यू होता है। ओके, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थ्री क्वांटिटी दिए हमने a, x और n। हमें क्या मालूम है, जैसे क्या किया, टू रेज टू फोर हमें मालूम है 16 होता है, तो इसका लॉगरिथम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लॉगरिथम करेंगे करेंगे लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास 4। यहाँ पे इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यही है हमारे पास लॉग। अब आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पर कैसे क्या यूज करते हैं। आपको सबसे पहले याद रखिए कि थ्री क्वांटिटीज a रेज टू x इक्वल टू n, log ऑफ n बेस जो बेस है वो बेस ही रहेगा हमारे पास, तो बेस a इक्वल टू क्या रहेगा, इंडाइसेस ऑफ पावर। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ पे x टू लेंगे, x इज सेट टू बी लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस, बेस क्या है हमारे पास a। ओके, और एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस तरीके से x इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस a। फिर क्या करेंगे, लॉग ऑफ 8
बेस कितना है 2, इक्वल कितना आएगा हमारे पास 3, यहाँ पर कितना आएगा लॉग ऑफ 1000, बेस कितना है हमारे पास 10, आंसर कितना आएगा 3। अभी समझे कैसे log of a number to the base, this to the indices of the number to produce the result. Same base.
इज ऑलवेज यूनिटी। मतलब कहने का क्या है कि लॉग ऑफ ए बेस ए इक्वल क्या आएगा वन। कैसे इसको बात करते हैं, ए रेस टू ए का वन क्या होता है, ए होता है। अब इसका लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बेस ए इक्वल टू क्या आएगा। ये तीन ही पॉइंट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग में। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल ने दे दिया, एग्जांपल लिया इफ इफ लॉग ऑफ रूट टू बेस ए इक्वल टू वन बाई सिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सॉल्व कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। यहां पे ले लेंगे a रेस टू 1 बाय 6 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 बाय 6 इक्वल टू क्या आएगा रूट टू a रेस टू 1 बाय 6 और a टू क्या आएगा सिक्स इक्वल टू क्या आएगा रूट टू रेस टू 6। ओके यहां पे 6 से कैंसिल, a क्या आएगा रूट टू रेस टू 6। मतलब रूट टू क्या होता है, रूट टू है, इसे हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा टू, क्या आएगा टू रेस टू थ्री, ये क्या आएगा हमारे पास एट। वैसे देखो बेस टू द पावर एक ऐसे सेट होता है हमारे पास ए रेस टू वन बाई सिक्स इक्वल क्या आएगा रूट टू ए, और यहाँ पे क्या सिक्स है, तो ये सिक्स से दोनों साइड सिक्स कर दो, मतलब सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बी रेशियो में, तो ए रेस टू वन बाई सिक्स इक्वल टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 5832 टू द बेस 3 रूट।
इसको अगर सॉल्व करेंगे आपका क्या बोला 58 32 का बेस इक्वल टू क्या लिखेंगे लॉग 582 बेस कितना है 3√2 इसको कंसीडर करेंगे एक्स ओके आप एक्स के रिगार्ड में एक्स के रिगार्ड में क्या रहेगा 3√2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 5832 इसके फैक्टर करेंगे फैक्टर करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3√6 एंड 2√3 करना है 5832 फैक्टर बनाया तो ना उसे मल्टीप्लाई कर लेना है 16 फिर 2 से लिया 14 58 फिर से 2 से लिया 7 29 3 से लिया 243 3 से लिया 81 3 से लिया 27 3 9 3 3 यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 3 एनी प्रॉब्लम सर यहाँ पे देखो ध्यान से यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है इक्वल टू 3√6 इसको लिखा हमने √2 का स्क्वायर और इसको में क्या है 3 एनी प्रॉब्लम फिर क्या लिखा 3√6 √2√6 2 3 6 क्या हो गया हमारे पास 3√2√6 यहाँ पे क्या था 3√2√x x के लिए आएगा हमारे पास 6 8 डाइसेक्शन बता चुका हूँ ठीक है बात करेंगे
फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट लॉ अगर हमारे पास लॉग ऑफ एम एम बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन बेस ए, तो इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये आता जैसे पहले आप करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एम इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ओके, और एन इक्वल टू ए रेज टू वाई। दोनों के बेस और इंडाइसेस है वो डिफरेंट है बट बेस क्या है सेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेस तो सेम है, राइट। अब बात करते हैं हमने क्या एम एन किया, एम एन करेंगे आएगा ए रेज टू एक्स इंटू में ए रेज टू वाई आएगा, यानी प्रॉब्लम। फिर यहाँ से किया ए रेज टू एक्स प्लस वाई हो गया, ओके, क्योंकि इंडाइसेस में प्रोडक्ट और बेस सेम होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है ऐड होता है, पर इंडाइस ऐड होती है। यहाँ पे करेंगे अब लॉग लेते हैं, लॉग एम एन बेस ए इक्वल क्या आएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस a आएगा, यानी प्रॉब्लम। फिर यहाँ से लॉग ऑफ m बेस a इक्वल टू क्या आएगा y आएगा। अब x और y के एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमें, ये आपका फॉर्मूला होगा, यही सी एट एट। अभी क्या था प्रोडक्ट साइन था, प्रोडक्ट में क्या होता है सम ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ देयर नंबर्स सो द सेम बेस। अब सेकंड क्या आता है हमारे पास, सेकंड नंबर है कि अगर क्वेश्चन करते हैं लॉग एम एन एम अपॉन एन बेस क्या है ए दिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंस ऑफ अ देयर नंबर इसे करते हैं, इसे वैसे ही करेंगे कैसे जैसे अभी किया था, क्या किया था a रेज टू x इक्वल टू m और a रेज टू y इक्वल टू n, यहां से पहले x निकालते हैं, x क्या आएगा log ऑफ m बेस a, यहां से y क्या आएगा log ऑफ n बेस a, ओके। फिर अब बात करते हैं m upon n, तो m upon n equal to क्या आएगा a raise to x upon में a raise to y, और इंडाइसेस नंबर जो कि बेस अगर सेम होता है तो डिवीजन पावर क्या होता है हमारे पास सबट्रैक्ट जाती है, क्या आएगा हमारे पास a raise to x minus y। अब लॉग ले लेते हैं, log of m upon n बेस क्या है हमारे पास a equal to x minus y, और x क्या है this नोट कर लीजिए, बस ये ध्यान रखना है कि अगर बेस जो भी है हमारे पास तो बेस क्या होता है बेस सेम रहता है,
ओके नेक्स्ट। अच्छा इसी की बात करते हैं, इसी का कुंडली है क्या है, अगर लॉग ऐसा दिया कि लॉग ऑफ 1 बाई n बेस टू की थी, यहां पे रहेगा लॉग ऑफ 1 बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a होगा, और लॉग 1 क्या होता है, जीरो होता है, क्या है आंसर माइनस में लॉग ऑफ n बेस a। ओके नोट कर लो, एक कोरोलरी है। तो कहीं पर के हमारे पास अगर बेस में नंबर दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर नंबर दिया है और न्यूमरेटर बन रहा है, आपसे कहेगा माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बेस थी। ओके अभी तक पर हमने ऑर्डर साइन पढ़ लिया लॉग का और कोसाइन पढ़ लिया, अब बात करते हैं रेशियो रेशियो की। यहां पे क्या है, थर्ड है हमारे पास लॉग ऑफ m raised to n base a equal to n log m base a, ये ऊपर कैसे लिखेंगे, a raised to x क्या है m, यहां से क्या आएगा हमारे पास log of m base a equal to क्या आएगा x आएगा। ओके अब बात करते हैं कहेंगे दोनों साइड क्या किया raised to n कर दिया, यहाँ पे m raise to n हो गया, क्यों किया क्योंकि m m raise to n निकला, m raise to n m raise to n हो गया, यहाँ पे आएगा a raise to n x equal to m raise to n m raise to n। अब क्या किया log लेते हैं, log m raise to n base a हमारे पास equal to क्या आएगा n x, और x क्या था n log m base a, नोट कर लेते of 70, 28,
टू द बेस, बेस दिया है टू रूट थ्री, इसका क्या करना है हमें लॉग फाइंड करना है। तो ड्राइविंग अभी मैंने किया था वो 5728 समथिंग उस तरीके से।
इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है, बताइए क्या है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है हाफ ऑफ लॉग 25 बेस 10 माइनस 2 टाइम्स लॉग 3 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 18 बेस 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो और आंसर सेंड कर दो, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और सब लोग आंसर भेजिए।